तैयार होने की शोशा तब होती है जब आपने कहीं जाना हो, जब मुझ साइड पे, मुकद्दस का साइड पे, मलाइका को साइड पे, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अम्मी हमारे पास आई हुई है रहने के लिए, क्योंकि अम्मी लोगों ने घर में ना लेबर लगवाए हुए हैं। और आज है बाजी की दावत। आज मेरा दिल है कि हम तीनों बहनें जो है ना, मतलब ईद मिलन पार्टी कर लें, क्योंकि वीकेंड है आपको पता है। और अभी मैं फ्री हुई हूँ, सब सबकी तरफ से मैंने दावत खा ली, तो मेरा भी बनता है हक कि मैं उनको दावत दूँ। बाजी आ रही है, नासा बाजी आ रही है, उनकी फैमिली आ रही है, तो आप लोग ये ब्लॉग बिल्कुल मिस नहीं करेंगे मुझे उम्मीद है। तो उसके लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में वीडियो को लाइक और शेयर कर लिया करें। कुछ जो डिशेज हैं वो घर पे बनेंगी, कुछ जो है वो बाहर से मंगवाई जाएंगी। मैं सुबह से तैयारी कर रही थी, मैंने कहा कुछ चीज़ें मैं बना लूँ ना, तो फिर मैं ब्लॉग जो है वो शुरू करूँगी, ताकि आप लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा, मेरा जो दिल करता है ना कि गेस्ट आएँ तो जो भी हम फन करें तो वो आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। अभी मैं सबसे पहले आपको अम्मी से मिलवाती हूँ ना, फिर बाकी के काम करते हैं। वालेकुम अस्सलाम अम्मी, आज आप बड़े दिनों के बाद आई हैं। मैं इतने दिनों से अम्मी के पीछे लगी हुई थी, अम्मी आ जाए। अम्मी कह रही थी कि अब्बू ने रोज़े रखने होते हैं तो फिर ज़रा मुश्किल हो जाएगा। सारे रोज़े रखने जी। और आपकी सेहत ठीक है अम्मी? अभी अम्मी ने खाना शाना खा लिया, अम्मी पानी पी रही हैं, और हमजा जो है वो तो लेटा हुआ है। हमजा अपनी गाड़ी के साथ ही लगा रहेगा। अच्छा, डाइनिंग वगैरह के लिए बर्तन शर्तन यहाँ पे निकाल रहे हैं हर तरफ। मानना माली दिल बैठी हुई है, और साथ में नूरीन अपने कामों को लगी हुई है, और मैं साथ में अपने कामों को, चावल निकाल दिए बिरयानी के लिए। अच्छा जी, बन रहा है चिकन मंचूरियन और राइस, साथ में ये देखिए मंचूरियन और राइस के ये राइस हैं, साथ में मटन जो है वो बन गया है, साथ में बिरयानी का मसाला जो है वो भी मैंने तैयार कर दिया था। सुबह मैंने काफ़ी जो काम है वो समेट लिए हैं। अच्छा, ये फ्रूट ट्राइफल वगैरह मैंने बना के रख दी है, और साथ में ड्रिंक्स वगैरह जो ठंडी हो रही हैं, ऊपर दही वगैरह और ये वो चीज़ें पड़ी हुई हैं, फ्रूट्स अभी काटने हैं, बल्कि फ्रूट सैलड बस बनाना है। मैंने कहा चले ड्रिंक्स वगैरह आ जाएँ, तो ये बाकी के काम जो हैं। रूषा ने अपना काम कर दिया, गिलास निकाल के रूषा बर्तन रख के रूषा भाग गई है यहाँ से। अच्छा, ये वाला जो मिरर है ये मैंने इधर नीचे टीवी लाउंज में लगवा दिया है, इधर डाइनिंग के पीछे ना, क्योंकि डाइनिंग इस तरह मैंने डायरेक्शन चेंज की थी, तो मेरा दिल था कि इधर इसे इस तरह लगा दूँ। तो अब आप लोग मुझे बताइएगा कि कैसा लग रहा है। जो अभी ब्लॉग अपलोड होना है ना, उसकी मलाइका जो है वो साथ साथ एडिटिंग कर रही है, साथ साथ ही हमजा बोल रहा है। आप लोगों ने उसको वगैरह ये ब्लॉग को देख लिया होगा, मलाइका से साथ साथ रहा होगा। अच्छा, अभी मैं मंचूरियन बना रही हूँ, मैंने कहा वो पाते आते ना होटल से वो फिर ठंडा हो जाता है। जी, नानों के आने में ना सिर्फ दो बंदे सबसे ज़्यादा अम्मी आपको पता है खुश हैं, एक ये वाला बंदा रुशा कि मुझे आज फ्रूट सैलड नहीं बनाना पड़ा, और एक हमजा। हमजा से हमजा को डांट नहीं पिटेगी, और हमजा अम्मी जब बाहर बैठी होंगी तो हमजा आराम से बाहर जा सकेगा। ये दो निक्के जो है ना, इनकी ईद है। ये देखो, ये चल भी नहीं रहा, ये उछल उछल रहा है। नानू आई है ना, हमजा खुश है ना, और नूरीन वैसे खुश है। अरुषा, तैयार होने की शोशा तब होती है जब आपने कहीं जाना हो, जब घर पे दावत हो ना, तो फिर आप तैयार होकर सिर्फ ये काम करते हैं। ठीक है, जो भी आप कर रहे हैं, डाइनिंग का टेबल आपने सारा सेट किया है, इसमें से ये स्टैंड उठाओ कैंडल के, ये भी उठा लें, ताकि यहाँ पे ना वो आराम से जो है सारा सामान। मामा ने डेकोरेशन भी पूरी कर ली। जी जी, आप साथ साथ शीशा देखें। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। ये बेटियाँ को टाइम ही नहीं लेती यार बड़े होने में। मलाइका का था, अब रुषा को पूरा आ गया। चलो, ये बेटा पहले अंदर से उठा लो, ताकि खाना जो है ना यहाँ पे पूरा आ जाए। खाला नास्टर लोग जो है वो आ गए हैं सबसे पहले। हल आपका सूट बहुत प्यारा लग रहा है, कलर ये भी आपने नया ही ट्राई किया हो, तो बहुत अच्छी लग रही है ना, ये भी कलर आपने फर्स्ट टाइम ट्राई किया। मामा अंदर, अरुषा ने आपसे सारी सेटिंग वगैरह कर दी। मामा, मैंने सुबह से सिर्फ नाश्ता किया, मुझे इतनी भूख लग रही है ना। बिरयानी के बीच नाश्ता किया, नाश्ता नहीं किया होना तो मैं उन्होंने के पास मैं बिरयानी किसी तरीके मेरे तक पहुँच। आज मैंने लेंस नहीं लगाया, नहीं लगाया हाँ, देख रहे हैं क्यों? आज मेरी जुबान है ना, इसलिए काम कर रही है। पापा की तबीयत खराब है, बाबा डल डल से आ जाओ। आप एक आला लोग आ गए, टेबल दोनों मैंने सेट कर दिए। आपके साथ टेस्ट किया, कहती है इतनी अच्छी है, मैंने कहा जी बाहर किया। ये क्रीम का दरअसल मामा ने बहुत मजे का मीठा बनाया, तुमने बताना है। मेरे ख्याल से ना 3-4 घंटे मामा को मीठा बनाना पड़ेगा। इनको ये था कि आज सिर्फ मैं मीठा बनाऊंगी, लेकिन देखो मैंने कितना खाया। फिर भी मामा मतलब बाकी खाना है, मामा ने एक घंटे में बनाया मीठा, मामा ने इतने देर से शौक से बनाया। अच्छा, ये था जो मामा ग्राइंड कर रही थी उसके साथ, ग्राइंडिंग बीटर। सुबह को मैंने बीटर चलाया हुआ, सुबह को हमारे घर में पता नहीं मम्मा क्या बनाए जा रहे हैं। दिखाऊं उनको तो मीठा सामने पड़ा हुआ है। अच्छा, ये देखिए कस्टर्ड नहीं, फ्रूट ट्राइफल। तुम लोग की उल्टी सीधी हो गई है, रुषा का मुंह इस साइड पे है, मुकद्दस का इस साइड पे है, मलाइका का उस साइड। कितनी तुम लोगों को मजबूरी है बातें करने की, है उल्टी सीधी हो गई, बैठी हुई है बस बातें करने के लिए। अच्छा, सारे आ गए, हम खाने का सिर्फ वेट कर रहे हैं वो बाजी का, कि बाजी क्या आने। आंटी, आपकी तबीयत कैसी है? बस जूस लेना। हाँ,
जी जी ऑन है, ये जूस मिल रहा है जी सबको, अल्लाह ही खैर करे। रुशा है जूस? हाँ जी है, कैमरा ऑन है। और कल फाखर आएगा तो फटाफट खाना लगा देंगे, जूस नहीं है। अच्छा नहीं लगता, खाला मांग मांग के थक गई। और ये अब दादो को मैं भी ले लेती हूँ। अम्मी आप आ गई हैं, किधर गए हुई थी? बच्चों के साथ बाहर? सब अजी आपका ड्रेस बहुत प्यारा लग रहा है। कहाँ का है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बहुत अच्छा, अच्छा ना। साथ आपने हैंड फ्री भी लगाई हुई है, साथ में वीडियो एडिट कर रही है। साथ में सब बाजी का वेट कर रहे हैं कि बस अब जल्दी ही से आ जाए और हम खाना खाएं। जी अल्लाह से किचन में आने मम्मा की हेल्प करा रही है, बिरयानी डाल दूँ जी। अच्छा नहीं भाई, खाना कैसा था? खाना अच्छा था, आपको सूट बहुत प्यारा लग रहा है, बिल्कुल सोफे के साथ मैच हो। भी सारे खाना ही खाने लगे हुए, मुकद्दस ख़त्म करना है खाना सारा। मुकद्दस और रुशा जो है ना इस मुकाबले पे हैं कि हम खाना ख़त्म करें, और जेंट्स हैं वो माशाल्लाह खा के भी उठ गए हैं। किधर जा रहे हैं सारे? ना ये जो मीठा है ना, ये मामा ने ना 2-3 घंटे लगा के बनाया खाना, 1 घंटे में बना। हाँ जी, फर्स्ट टाइम बनाया। किस रेसिपी पूछिए? मामा पे फ्रेंड से पूछिए। बहुत टेस्टी, टेस्टी बना। बहुत ज़्यादा। आपको कैसे लगे? पता नहीं मामा किधर है, पता है किधर है? अच्छा ऐसे खाला के पास बैठी है, वैसे खाला नासरा उठाती है तो उनके पास नहीं आती, या नानों के पास भी नहीं आती। थोड़ा सा काम है ना, पहले कह रहे थे कि नहीं आते, फिर वो प्रॉमिस करके लाई थी कि 8:30 बजे तुम लोग निकल आना वहाँ। लूटो का जुनून चढ़ गया कि अब हम लूटो खेल लें, ये नहीं कि हम बातें कर लें। रूल्स जो है ये खुद ही फिट किए जा रही हैं। नहीं, ये रूल्स होते हैं। हाँ सही है, अप्रूव्ड और सही वाले जो सर्टिफाइड रूल्स है हमारे। अच्छा यहाँ पे ये साथी साथी खेला जा रहा है जी, अब लूटो की शामत आ गई है। अब ये ना कहिएगा कि युवा खेल रहे हैं यहाँ पे, सारे ऐसे पकड़ के बैठे हैं क्योंकि मामा और अनुषा जो है ना वो लूडो लड़ा देते हैं फौरन। मेरे बाल में आ गए थे नंबर, अच्छा जी लूडो में हमने बड़ा एंजॉय किया है, काफी लोगों ने यहाँ पे चीटिंग की है। कहाँ से चलना? मुकद्दस और मामा की टीम 120 हो गए हैं खाला, देर भी पापा को मामा को इज्जत दी हुई है, मामा को 1-2 पड़ी नहीं। मामा बताया आपको मार पड़ी है? आप दोनों बहनों ने ना मुझे जूते से मारा है, जो हरकतें कर रही थी ना बाजी ने ये साथ इनवेलप दिया है ये नीचे वाला, और साथ में ये गिफ्ट्स लेके आई हैं, इसकी इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग के अंदर मैं अनबॉक्सिंग करूंगी। और ये साथ में नासरा बाजी ने मुझे घर की मुबारक का जो है वो गिफ्ट किया दिया है, ठीक है, तो ये इंशाल्लाह तआला नेक्स्ट व्लॉग में आप लोग देखेंगे। उम्मीद है कि आज की वीडियो भी आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हमने बहुत 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 ज़्यादा इन्जॉय किया, लूडो वाला जो पार्ट होता है ना वो यार सबसे सबसे बेस्ट होता है, इतना हमने इन्जॉय किया कि एंड पर लड़ भिड़ के,
यार बस मार पड़ी मुझे दोनों से, जब मैंने चीटिंग की है ना और मैंने पे जीत ली तो मुझे दोनों बहनों से मार पड़ी है। खैर कोई बात नहीं, इट्स ओके, अभी बस कुछ खर्चर से मिटेंगे, सोएंगे। मानो अभी तक नीचे फेर रही है, इतना वो बाजी को मिली है, वो इतना खेली है, इतना मुझे अच्छा लगा, इतना गिफ्ट्स के लिए बहुत ज़्यादा शुक्रिया। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और नेक्स्ट ब्लॉग का वेट करें कि सबने मुझे क्या गिफ्ट दिया, वो मैं आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊंगी। इंशाल्लाह मिलेंगे अब आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।